I am happy to inaugurate Poultry India 2011, which is concerted activity by the poultry industry to have a mega show that features exhibitors from India and abroad. Indian Poultry Equipment Manufacturers Association and Exhibition Advisory Committee are doing a very wonderful job by creating this platform where it presents a unique opportunity for our poultry industry to explore and choose products and technology for commercial exploitation. I am sure the Poultry India 2011 will provide a rich experience of sharing and interaction with subject matter experts, besides having an illuminating tour of the leading edge products and services produced and provided by reputable organizations. साथियों, हम आज गोलकुंडा की धरती पर खड़े हैं. इस हैदराबाद नगरी की एक समृद्ध विरासत है. उसी तरह हमारी भारतीय पोल्ट्री इंडस्ट्री लगभग 5000 साल पुराना अपना इतिहास रखती है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है. स्वतंत्रता के बाद 40 साल हो गए जब बैकयार्ड पोल्ट्री इंडस्ट्री भी काफ़ी उन्नति कर रही है और आज भी हम और सभी राज्य प्रदेश इस बैकयार्ड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं. आंध्र प्रदेश वैसे भी प्रथम है बॉयलर के उद्योग में. यहाँ से 60 से 70% तक उत्पादन किया जा रहा है और अंडों के मामले में भी जहाँ तक मुझे जानकारी है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलाकर 70% से ज़्यादा अंडे का उत्पादन हमारे किसान भाइयों के द्वारा किया जाता है और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ. जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है, मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का जो अनुशंसा है उस हिसाब से प्रति व्यक्ति को प्रति वर्ष कम से कम 180 अंडे एग्स और लगभग 11 किलो पोल्ट्री मीट की आवश्यकता है, होना चाहिए, खाना चाहिए. मगर ये हमारा फिलहाल दुर्भाग्य है कि अभी हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता मात्र 42 है और मीट की उपलब्धता 1.6 केजी है. आप इस अंतर से समझ सकते हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में अभी हमारे पास बहुत बड़ा एक गैप है, एक संभावना है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य के लिए काम कर सकते हैं, नए तकनीकी ज्ञान खोज सकते हैं और इस क्षेत्र को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं.